प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं रीट सेकंड लेवल विषय सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अपना जो टॉपिक है ये है भारतीय समाज, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका सामाजिक संबंधों के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक शर्त है, जिसके अंदर ऑप्शन पहला है पारस्परिक सहायता, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक जागरूकता, पारस्परिक संपर्क। तो इसके अंदर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पारस्परिक जागरूकता। कौन सा आंसर हो जाएगा? पारस्परिक जागरूकता। अब देखिए, दो नंबर का क्वेश्चन है सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली विधियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन देखिए, रीति रिवाज, कार्य विधियां, अधिकारिता और अंतः क्रियाएं। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है एक का सही माना जाएगा, रीति रिवाज। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, एक समाज की विशेषता है, ऑप्शन एक है, एक समाज संबंधों से संयुक्त मनुष्य के समूह का बोध कराता है। दो नंबर पे है, एक समाज में सदस्यों की वेशभूषा, खान पान आदि क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं। तीसरे नंबर का ऑप्शन है, एक समाज अपने सदस्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। और चौथा नंबर है, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा माना जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद में देखें, चार नंबर का क्वेश्चन है, जनजातीय समाज और किस नाम से जाना जाता है, जनजातीय समाज और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है वनवासी, वन मानव, आदि मानव और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा आंसर आपका? उपयुक्त सभी। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की प्रमुख अनुसूची जातियां हैं। देखिए, दोबारा बोलता हूँ क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछ रखा है। तो कौन सी अनुसूचित जनजाति? भील। कौन सी है? भील। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी समाज के अंतर्गत आती है, शिकारी समाज के अंतर्गत आती है। तो जनजाति का ऑप्शन दे रखा है खासी, चेचू, और जनजाति है मीणा और गारो। तो इसके अंदर कौन सा होगा सही आंसर? होगा चेचू। अब देखिए, सातवें नंबर का क्वेश्चन है, ये देखें अपन, जनजातियों में युवा संगठन को क्या कहा जाता है, जनजातियों में युवा संगठन को क्या कहा जाता है। तो देखेंगे, युवा संगठन को कहा क्या कहा जाता है, युवाग्रह, डायमेट्री, पिग्मी, भूरिया। तो युवा संगठनों को क्या कहा जाता है? डायमेट्री कहा जाता है। आठवें नंबर पे देखें, वह जनजाति जो एकमात्र अंडमान द्वीप में पाई जाती है, वह जनजाति जो एकमात्र अंडमान द्वीप में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओंगे। क्या कहते हैं साहब? ओंगे। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं? नौ नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं? तो इसके अंदर जहाँ कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या कृषि कार्यों में लिप्त हों। दो नंबर पे, जहाँ कम से कम 75% महिला जनसंख्या कृषि कार्यों में लिप्त हों। ऑप्शन है तीसरा, जहाँ कम से कम 50% पुरुष जनसंख्या कृषि कार्यों में लिप्त हों। और चौथा ऑप्शन है, जहाँ कम से कम 25% पुरुष जनसंख्या कार्यों में लिप्त हों। तो इसके अंदर 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद में देखिए, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, वह समाज जिसमें नगरीय तथा ग्रामीण परंपराएं साथ साथ चलती हैं, वह कौन सा समाज कहलाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, जनपुंज समाज। अब देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। इसमें देखिए, देखेंगे आप, देवी उत्पत्ति सिद्धांत एवं शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी व समाजवादी संविदा सिद्धांत और उपयुक्त सभी।
तो 11 नंबर में कौन सा हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। इसके बाद में देखें 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपका, कौन सा सिद्धांत समाज को ईश्वर की कृति मानता है, कौन सा सिद्धांत समाज को ईश्वर की कृति मानता है। तो ऑप्शन देखें इसके अंदर, देवी उत्पत्ति सिद्धांत, पितृ व मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, एक नंबर का आंसर है ये हो जाएगा देवी उत्पत्ति सिद्धांत। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समाज की प्राथमिक मौलिक और सबसे छोटी इकाई है, समाज की प्राथमिक मौलिक और सबसे छोटी इकाई है। तो इसके अंदर आप देखेंगे आपका जो है 13 नंबर का आंसर हो जाएगा परिवार। इसके बाद में आ जाए 14 नंबर पे, परिवार के कार्यों में शामिल है। तो देखिए एक नंबर का ऑप्शन है बच्चों का पालन पोषण, दो नंबर पे सामाजिक कार्य, तीन नंबर पे आर्थिक कार्य और उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर में कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखें आगे, नेक्स्ट अपन बात करें 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, वे परिवार जिनमें वंश का निर्धारण पति या पत्नी में से किसी के आधार पर हो सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, द्विनामी परिवार, द्विवंशी परिवार, द्विपतित्व परिवार, द्विस्थानीय परिवार। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एक, सही, द्विनामी परिवार। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में परिवार का सर्वाधिक स्वीकार योग्य प्रकार है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, एक नंबर पे एकल परिवार, दो नंबर पे मिश्रित परिवार और तीन नंबर पे विनामी परिवार और चार नंबर पे एक विवाही परिवार। तो 16 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा एक विवाही परिवार। अब देखिए आगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी के संबंधों की अपेक्षा माता पिता संतान भाई बहन आदि रिश्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखें अपन, विवाह संबंधी परिवार, विस्तृत परिवार, रक्त संबंधी परिवार और संतानात्मक परिवार। तो इसके अंदर 17 नंबर नंबर में हो जाएगा आपका 3 नंबर का रक्त संबंधी परिवार। 18 नंबर में देखिए क्वेश्चन 18 है, विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला परिवार का प्रकार है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है मातृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार, एकल परिवार और विस्तृत परिवार। तो 18 नंबर में हो जाएगा आपका पितृवंशीय परिवार। अब देखें आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार में एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ तथा एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह संबंध होना किस परिवार का प्रकार है। देखिए समूह विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, एक विवाही परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में देखिए सॉरी 19 का चल रहा था, तो इसमें बहुविवाही परिवार होगा, 19 में बहुविवाही परिवार होगा इसके अंदर। आगे देखिए 20 नंबर में अपन बात करें, निम्नलिखित में से समाज की विशेषता है। तो देखिए निम्न समाज की विशेषता है, पहला ऑप्शन है समाज संबंधों की व्यवस्था है, दूसरा समाज अमूर्त है, समाज में समानता और विविधता पाई जाती है और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में देखिए निम्न में से समाज की विशेषताओं में शामिल है, निम्न में से समाज की विशेषताओं में शामिल है मानवीय अंतःक्रियाओं का क्षेत्र, पारस्परिक निर्भरता, जटिल व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो आपका हो जाएगा इसके अंदर उपयुक्त सभी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, शिकारी समाज वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए कादर भारत, वेंडा बांग्लादेश, बुशमैन अफ्रीका, पिग्मी मलाया। तो इसके अंदर 22 नंबर में हो जाएगा वेंडा बांग्लादेश, यहाँ पर नहीं पाए जाते। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, और 23 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, वह स्थान जहाँ किसी योग्य व्यक्ति के निर्देशन में युवत युवतियाँ भविष्य में आने वाली भूमिकाओं का समाजीकरण करते हैं कहलाता है।
तो ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, और ऑप्शन देखें इसके अंदर 23 नंबर के क्वेश्चन में, युवा ग्रह, डायमेट्री ग्रह, जनजातीय समाज, शिकारी समाज। तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा एक ऑप्शन का आंसर सही युवा ग्रह है। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, जयंतिया, खासी, गारो, हमर आदि जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं साहब, ये मेघालय में पाई जाने वाली जातियां हैं। अब है चेचू जनजाति विशेष रूप से किस राज्य में पाई जाती है? चेचू जनजाति विशेष रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, पृथककरण की जनजाति नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पृथककरण की जनजाति नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन है वेरियर एल्विन, दो नंबर पे हाइमैन डॉर्फ, और तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का जो ऑप्शन होगा तीन, उपयुक्त दोनों। 27 नंबर में देखिए, जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो करने वाला है ठक्कर बप्पा। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं ठक्कर बप्पा को। राजस्थान के अंदर आप पढ़ेंगे जनजातीय जागरण तो उसमें आपको मिलेगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दी है? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, ठक्कर बप्पा ने, जी एस घुरिए ने, तीन नंबर पे है डेनियल बेल ने, और चार नंबर पे है वेरियर एल्विन ने। तो 28 नंबर में आपका जो है आंसर होगा डेनियल बेल ने। अब देखिए 29 नंबर का आपका क्वेश्चन है, रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कमेंट्रीज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समाज की उत्पत्ति किस सिद्धांत का उल्लेख किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसने सामाजिक संविदा सिद्धांत का क्या किया है? उल्लेख किया है। 30 नंबर पे देखें अपन, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार का स्वरूप है? तो एक नंबर का है जन्म का परिवार, और दो नंबर पे है प्रजनोत्पत्ति परिवार, और तीन नंबर का जो है यह है उपयुक्त दोनों, और चार नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर में हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब देखिए अपन बात करें 31 नंबर में, बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो कौन सा हो गया? परिवार है ये बालक की प्रथम पाठशाला है। अब देखिए उस परिवार का नाम बताइए जिसमें पति घर जमाई होता है। तो ये देखिए उस परिवार का नाम बताइए जिसमें पति घर जमाई होता है। तो इसमें ऑप्शन देखें अपन, मातृस्थानीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, नव स्थानीय परिवार। तो 32 नंबर में आपका जो सही आंसर हो जाएगा मातृस्थानीय परिवार। इसके बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तियान, टोडा, खस, लद्दाखी बोटा, नायर आदि जनजातियों में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए आप, 33 नंबर में बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार, समूह विवाही परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 33 नंबर में आंसर है ये हो जाएगा बहुपति परिवार। अब देखेंगे 34 नंबर में, 34 नंबर में देखें आप, भारतीय समाज में किसी व्यक्ति का विवाह पूर्व यौन संबंधों में लिप्त होना किसका उदाहरण माना गया है? तो देखिए 34 नंबर में है निषेधात्मक मानक, निषेध है भारतीय समाज में, तो आंसर हो जाएगा निदेशात्मक मानक। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए निम्न में से सुमेलित है, 35 नंबर में निम्न में सुमेलित है, सुमेलित करना आपको। तो एक नंबर पे है अंतः विवाह, इसका अर्थ व्यक्ति द्वारा अपनी ही जाति समूह के अंतर्गत विवाह करना। दो नंबर पे है अनुलोम विवाह, इसका अर्थ है अपने से उच्च सामाजिक प्रस्थिति वाले व्यक्ति से विवाह करना। तीन नंबर पे है प्रतिलोम, इसका अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति वाले से विवाह करना, और ऑप्शन चार है उपयुक्त सभी सुमेलित
हैं, तो 35 के अंदर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। 35 नंबर का जो आपका आंसर है ये क्या होगा भाई, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। देखिए उपयुक्त सभी सुमेलित हैं 35 में। अब आगे देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में यह नियम है कि व्यक्ति अपने ही गांव में विवाह नहीं करेगा, वह किस विवाह के अंतर्गत आता है? तो देखिए सगोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और खेंडा विवाह। तो यह हो जाएगा 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, खेड़ा बहिर्विवाह। अब देखिए 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, समलैंगी सहोदर्ज विवाह किस में पाया जाता है? समलैंगी सहोदर्ज विवाह किस में पाया जाता है? सिखों और हिंदुओं में, अरब वासियों और मुसलमानों में, हिंदुओं और बौद्धों में, इनमें से कोई नहीं। तो किन में पाया जाता है? अरब वासियों और मुसलमानों के अंदर समलैंगी विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर में देखिए, हिंदू विवाह का उद्देश्य, हिंदू विवाह का उद्देश्य है ये देखिए, इसके अंदर ऑप्शन है धर्म, पुत्र प्राप्ति, यौन सुख। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। 39 नंबर में देखिए, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित किस विवाह के प्रकार है? तो इसके अंदर है 2 नंबर पे ऑप्शन होगा अप्रशस्त विवाह के ऑप्शन है। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, निकाह विवाह सुन्नियों में केवल एक, यही एकमात्र विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट है मुता विवाह, इसमें स्त्री पुरुष परस्पर सहमति से एक निश्चित विशेष अवधि के लिए वैवाहिक संबंध बांधते हैं। और है फासिद विवाह, जब विवाह में कोई कमी अथवा अनियमितता रह जाती है तो यह फासिद विवाह कहलाता है। तो आपका 40 नंबर का जो है ऑप्शन इसमें से आ जाएगा उपयुक्त तो सभी। अब है 41 नंबर पे देखिए, निम्न में से मेहर प्रकार है? तो मेहर प्रकार है, तो ये देखेंगे आप क्या प्रकार है मेहर, सत्वर या निश्चित मेहर, 2 नंबर का ऑप्शन है स्थगित मेहर, 3 नंबर पे है उचित मेहर और चौथे नंबर पे है उपयुक्त सभी। तो क्या है इसके अंदर उपयुक्त सभी। अब देखिए 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में 4 मासिक धर्मों, मुस्लिम विवाह में 4 मासिक धर्मों के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन एक है इद्दत, दूसरा है इला, तीसरा है मेहर और चौथा है मुबारत। तो 42 के अंदर क्या हो जाएगा इद्दत, 42 के अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा इद्दत। 43 नंबर का क्वेश्चन है ये देखिए, मुस्लिमों में तलाक के प्रकारों के बारे में सत्य कथन है इला, इला क्या होता है ये देखिए, सही कथन अपने को देखना है। इला पति खुदा को हाजिर रख करके कसम खा करके अपनी पत्नी के साथ 4 महीने तक सहवास नहीं करता और स्वतः विवाह विच्छेद हो जाता है। 2 नंबर पे जिहार, इस तलाक में पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करता है जिससे जिसके साथ उसका विवाह निषेध है। 3 नंबर पे है खुला, पत्नी की इच्छा तक तलाक होता है, पत्नी की इच्छा पर तलाक होता है, पति विवाह में निकाय के पति विवाह में निकाह के समय दी जाने वाली राशि मेहर की रकम छोड़ देती है और उपयुक्त सभी। तो 45 में आपका जो सही होगा, सॉरी 43 में जो आपका सही होगा ये हो गया उपयुक्त सभी। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जिसमें एक व्यक्ति अपने सभी सालियों से विवाह करता है और ज्ञातव्य है कि इसे स्वयं स्वयं स्वयं
संस्कृत सॉरी एक मिनट देखिए, दोबारा पढ़ रहा हूं। उस जनजाति का नाम बताइए जिसमें एक व्यक्ति अपनी सभी सालियों से विवाह करता है और ज्ञातव्य है कि इसे स्वयं संस्कृत बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। तो 44 नंबर में अपन देखेंगे, आपका हो जाएगा चोंगा। चोंगा जाति में किया जाता है, सालियों के साथ में, सभी सालियों के साथ में एक व्यक्ति विवाह कर लेता है। 45 नंबर में देखिए, पेशियोपुर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। पेशियोपुर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो किस जनजाति में है, गोंड जनजाति में है। और 46 नंबर का क्वेश्चन है, थारो जनजाति में विधवा विवाह का प्रकार है। तो थारो जनजाति में चुटकुटा जो विवाह है, यह है विधवा विवाह का प्रकार है। 47 और अंतिम क्वेश्चन ये देखिए, खासी जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रकार है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, लुया सुया विवाह। तो ये जो था अपना सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बातें थी। धन्यवाद मित्रों।